एक रूम में जाता है तो वहाँ एंगस उस शीप की खून से भरी हुई खाल अपने सर पर पहनकर हेनरी को डराता है, जिससे हेनरी बहुत ज्यादा डर जाता है। तभी उनकी हाउसकीपर मिसेस मैक वहाँ आकर एंगस को रोकती है और उन्हें बताती है कि तुम्हारे फादर का एक्सीडेंट हुआ है और उनकी डेथ हो गई है। इन दोनों शॉक्स की वजह से हेनरी को शीप्स का क्रिपलिंग फोबिया हो जाता है। उसके बाद हमें 15 साल बाद का टाइम दिखाया जाता है, जहाँ हेनरी अपने घर वापस आता है। वो फार्म में से अपना हिस्सा एंगस को बेचने के लिए आया था। हेनरी को देखकर मिसेस मैक बहुत खुश होती हैं, लेकिन एंगस उसे देखकर बिल्कुल भी खुश नहीं होता और हेनरी से पूछता है कि तुम यहाँ क्यों आए हो, क्योंकि एंगस अपने फार्म पर कुछ सीक्रेट जेनेटिक एक्सपेरिमेंट कर रहा था जिसे वो हेनरी से छुपाना चाहता था। हेनरी कहता है कि मुझे मेरी थेरेपिस्ट ने यहाँ बुलाया है ताकि मेरे फोबिया का इलाज हो सके, जिस पर एंगस उसका मजाक उड़ाता है। अगले सीन में हम दो एनवायरमेंट एक्टिविस्ट ग्रांट और एक्सपीरियंस को देखते हैं, जो एंगस की लेबोरेटरी में होने वाले एक्सपेरिमेंट की खोज लगाने के लिए वहाँ आए थे। तभी उनको वहाँ कुछ साइंटिस्ट नजर आते हैं। ग्रांट उनसे छुपकर वहाँ से एक बोतल उठा लेता है जिसमें एक म्यूटेंट लैम्प होता है, लेकिन वो साइंटिस्ट उसे देख लेते हैं और उसे पकड़ने के लिए पीछे भागते हैं। ग्रांट और एक्सपीरियंस जंगल में छुप जाते हैं। ग्रांट कहता है कि वो ये सबूत लोगों को दिखाएगा कि यहाँ पर क्या हो रहा है, लेकिन साइंटिस्ट के वहाँ पहुँच जाने पर भागते हुए ग्रांट नीचे गिर जाता है और वो बोतल टूट जाती है, जिसमे से वो जेनेटिक इंजीनियरिंग से बना हुआ लैम्प निकल आता है। वो दिखने में बहुत अजीब होता है और वो ग्रांट पर हमला करके उसका कान काट देता है, जिससे वो इन्फेक्ट हो जाता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि एंगस हेनरी को चेक देता है और उससे कहता है कि अब तुम यहाँ से चले जाओ। उसके बाद हेनरी मिसेस मैक से मिलता है तो वो उसके डैड की एक ट्रॉफी उसे देती हैं और उससे कहती हैं कि मैनेजर टकर के साथ खेतों और पहाड़ों में घूम आओ। दूसरी तरफ वो म्यूटेंट लैम्प फार्म में दूसरी शीप्स के पास पहुंच जाता है। उसकी आवाज सुनकर एक शीप उसके पास जाती है तो वो उसे बाइट कर लेता है। फिर हम हेनरी और टकर को गाड़ी में जाते हुए देखते हैं तो उनके रास्ते में एक शीप खड़ी होती है। टकर उस शीप का जख्म देखता है और उसे वापस फार्म में ले जाने की कोशिश कर रहा होता है। तभी एक्सपीरियंस वहाँ आ जाती है और उनकी गाड़ी से गन उठाकर उन पर गन तान लेती है। दूसरी तरफ हम ग्रांट को देखते हैं जिसकी हालत बहुत खराब होती है और तभी वो एक रैबिट को पकड़कर कच्चा खाने लगता है। उधर एक्सपीरियंस उन लोगों को लेकर जंगल में ग्रांट को ढूंढने के लिए आ जाती है और जब उसे पता लगता है कि हेनरी एंगस का भाई है तो वो उसे मारने लगती है, लेकिन उससे गन नहीं चलती तो टक्कर बहाने से उससे गन ले लेता है। फिर उन लोगों में दोस्ती हो जाती है और एक्सपीरियंस उन्हें बताने लगती है कि यहाँ पर जानवरों पर एक्सपेरिमेंट करके उन्हें वैशी दरिंदे बनाया जाता है। के तभी उन्हें पास के घर में धुआं उठता नजर आता है। वो वहां जाकर देखते हैं तो चूल्हे पर रखा खाना जल रहा होता है और घर की हालत बहुत खराब होती है। तभी घर में मौजूद इन्फेक्टेड शीप उन पर हमला कर देती है, जिससे छुपकर कमरे में चले जाते हैं। एक्सपीरियंस उन्हें एंगस के एक्सपेरिमेंट का बताती है और वहाँ उन्हें घर के ओनर की खून में लथपथ नाश नजर आती है। वो शीप दरवाजा तोड़कर अंदर आने की कोशिश करती है तो टकर उसे शूट कर देता है। शीप के मरने के बाद वो लोग बाहर निकलते हैं तो वहाँ बहुत सारी शीप्स होती हैं, लेकिन वो इन्फेक्टेड नहीं होती, इसलिए वो लोग गाड़ी तक पहुंच जाते हैं। लेकिन तभी एक शीप गाड़ी में चढ़कर टकर पर हमला करने की कोशिश करती है। टकर बड़ी मुश्किल से खुद को उससे बचाता है। हेनरी गाड़ी में रखा हुआ चेनसा ऑन करने की कोशिश करता है, मगर वो नहीं चलता और गाड़ी से गिर जाता है। गाड़ी को संभालते हुए टकर का ध्यान शीप से हटता है तो वो शीप उसे शूज पर काट लेती है तो टकर भी गाड़ी के पीछे वाले हिस्से में चला जाता है, लेकिन गाड़ी फिर भी चलती रहती है, जिसे वो शीप ड्राइव करके खाई की तरफ लेकर जा रही होती है। तो वो लोग गाड़ी से कूद जाते हैं और गाड़ी खाई में गिर जाती है। वहाँ उनको पता लगता है कि हेनरी के फादर भी इसी खाई से गिरकर मर गए थे। साइंटिस्ट को ग्रांट नहीं मिलता तो वो वापस लैब जाते हैं। वहाँ जब एक साइंटिस्ट वेस्ट मटेरियल को फेंक रहा होता है तो दो शीप उस पर हमला कर देती हैं। फिर एंगस गाड़ी में कहीं जा रहा होता है तो उसके रास्ते में ग्रांट आ जाता है, जिसकी हालत बहुत खराब होती है। वो एंगस पर गुस्सा करने लगता है और उससे कहता है कि मैं तुम्हारे एक्सपेरिमेंट के बारे में जानता हूँ। एंगस उसकी बात सुनकर उसे धमकाता है तो वो उसके हाथ पर काट कर वहाँ से भाग जाता है। दूसरी तरफ टकर के पाँव में बहुत दर्द हो रहा होता है और जख्म से खून भी आने लगता है। एक्सपीरियंस वहाँ से आगे चली जाती है। जब टकर शूज उतारता है तो वो देखते हैं कि उसके पाँव भेड़ जैसे बन गए थे, जिसे देखकर वो लोग डर जाते हैं और तभी बहुत सारी भेड़े उन्हें अपनी तरफ आती नजर आती है। उनसे भाग कर वो लोग लैब में छुप जाते हैं। वहाँ पर उन्हें एक जिंदा शीप लटकी हुई नजर आती है, जिसके जिस्म पर स्किन नहीं होती और उस पर एक्सपेरिमेंट चल रहा होता है।
तभी वहाँ साइंटिस्ट और एंगस आ जाता है। हेनरी उससे इस सब के बारे में पूछता है और उन्हें बताता है कि शीप्स इंसानों पर हमला कर रही हैं, मगर वो यकीन नहीं करते। हेनरी टकर को अपना पांव दिखाने के लिए कहता है तो साइंटिस्ट टकर को कोई इंजेक्शन लगाकर बेहोश कर देती है। हेनरी और एक्सपीरियंस वहाँ से भाग जाते हैं, मगर बाहर हर तरफ से शीप्स उनके पीछे लग जाती है, जिनसे बचकर वो वेस्ट मटेरियल वाले गढ़े के पास पहुँच जाते हैं, जहाँ फेंस की वजह से भेड़े तो अंदर नहीं आ सकती, मगर हेनरी का पांव फिसल जाता है और वो गड़े में गिर जाता है और उसे बचाते हुए एक्सपीरियंस भी वहाँ गिर जाती है। तभी हेनरी को वहाँ से बाहर निकलने के लिए एक रास्ते के बारे में याद आता है। अगले सीन में हम टकर को देखते हैं, जिसे साइंटिस्ट ने बेहोश करके रखा हुआ था। साइंटिस्ट उसका शीप जैसा पांव देखकर बहुत खुश होती है, क्योंकि उसे लगता है कि उन लोगों का एक्सपेरिमेंट कामयाब हो गया है। तभी वहाँ एंगस आता है तो साइंटिस्ट उसके पांव को छुपा देती है। एंगस उसे अपने हाथ का जख्म दिखाता है तो उसके टेस्ट के लिए थोड़ा सा सैंपल ले लेती है। उसके बाद वो स्पीच देने के लिए जाने लगता है तो साइंटिस्ट भी आने का कहती है, मगर वो उसे रोक देता है और कहता है कि जानवरों से दूर रहो। फिर हम हेनरी और एक्सपीरियंस को देखते हैं जो उसी रास्ते पर चल रहे होते हैं, तो एक्सपीरियंस हेनरी से उसके भाई के साथ हुई डील के बारे में पूछती है। हेनरी उसे बताता है कि मैंने अपने हिस्से की जमीन भाई को दे दी है। तभी उन्हें शीप की आवाज आती है और वे एक छोटे रास्ते से बाहर निकलने की कोशिश करते हैं। तभी एक शीप हेनरी पर पीछे से हमला करती है, मगर वो किसी तरह वहां से निकलकर शीप को आग लगा देता है। एक्सपीरियंस उससे कहती है कि मैं तुम्हें सेल्फिश समझती थी, लेकिन तुम ऐसे नहीं हो। एंगस घर आता है तो मिसेज मैक उससे पूछती हैं कि क्या तुम हेनरी से मिले हो, तो वो कहता है कि नहीं, शायद वो चला गया है। ये सुनकर वो बहुत हैरान होती हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि हेनरी उनसे मिले बगैर नहीं जा सकता। एंगस जब रूम में होता है तो उसके गले से शीप की आवाज निकलती है। फिर हम देखते हैं कि हेनरी और एक्सपीरियंस बचकर फार्म तक पहुंच गए हैं। वहां अंदर उन्हें ग्रांट नजर आता है, जो कि अब पूरी तरह शीप बन चुका था। उन्हें देखकर वो हमला कर देता है। एक्सपीरियंस उसके पास मौजूद बैग से उसे पहचान लेती है और उसे याद दिलाने की कोशिश करती है कि वो उसकी दोस्त है। हेनरी उसको मारता है, जिससे वो गुस्से में आ जाता है। फिर वो लोग उसे वहां बंद करके भाग जाते हैं। अगले सीन में टकर भी आहिस्ता आहिस्ता शीप में बदल रहा होता है, तो साइंटिस्ट उसे एक एंटीडोट देती है, जिससे वो वापस इंसान बन जाता है। उसके बाद वो साइंटिस्ट बाहर निकलकर एंगस की तरफ जाने लगती है, मगर रास्ते में ही उसे भेड़ें घेर लेती हैं। दूसरी तरफ स्पीच करते हुए एंगस के मुंह से शीप की आवाज निकलती है। वो साइंटिस्ट जंगल में भाग कर जाती है और फंस जाती है। वहीं शीप्स उस पर हमला कर देती हैं। एंगस एक बहुत खूबसूरत शीप सब लोगों को दिखाता है और तभी हेनरी और एक्सपीरियंस भी वहां आ जाते हैं और देखते हैं कि ऊपर पहाड़ से बहुत सारी भेड़ें नीचे लोगों की तरफ आ रही हैं। तभी भेड़ें आकर लोगों को मार कर खाने लगती हैं। एंगस वहां से भाग रहा होता है तो एक शीप उसके सामने आ जाती है, लेकिन वो उसे कुछ नहीं कहती, क्योंकि वो भी शीप बनता जा रहा था। हेनरी और एक्सपीरियंस वहां खड़े सब देख रहे होते हैं कि तभी मिसेस मैक गाड़ी लेकर उनके पास आती हैं। वो उनके साथ गाड़ी में चले जाते हैं। दूसरी तरफ एंगस उस सही वाली शीप को लेकर घर आ जाता है और अपने रूम में छुप जाता है। हेनरी और एक्सपीरियंस जब मिसेस मैक के साथ घर पहुंचते हैं तो वहां ग्रांट पहले ही मौजूद होता है, जो उन पर हमला कर देता है। हेनरी उसको शूट करने लगता है, लेकिन बंदूक में गोलियां नहीं होती। वो हेनरी को काटने ही वाला होता है कि एक्सपीरियंस एक स्टिक उसको किसी खास नर्व में मारकर बेहोश कर देती है। शीप्स घर को चारों तरफ से घेर लेती हैं और वो लोग दरवाजे को लॉक करते हैं। हेनरी कॉल करने के लिए एंगस के रूम में जाता है तो वहां एंगस उसे देखकर हैरान होता है। हेनरी उसे और शीप को मारने लगता है, लेकिन फिर उन्हें वहीं छोड़कर ऊपर चला जाता है, क्योंकि भेड़ें घर में घुसने लगी थीं। तभी वो लोग देखते हैं कि एंगस अपनी शीप के साथ फार्म की तरफ जा रहा होता है, लेकिन वो इन्फेक्टेड शीप्स उस पर अटैक नहीं करती। उसी वक्त वो देखते हैं कि हेनरी भी इन्फेक्टेड हो चुका है। वो मिसेज मैक और एक्सपीरियंस को पिछले दरवाजे से लेकर गाड़ी तक जाता है और उन्हें भेजकर खुद एंगस के पीछे जाता है। वहां से गुजरते हुए कोई भी शीप उस पर हमला नहीं करती, क्योंकि वो इन्फेक्टेड हो चुका था। एक्सपीरियंस वहीं रुकना चाहती है, लेकिन मिसेज मैक उसे साथ ले जाती हैं और रास्ते में वो सब भेड़ों को शूट करने लगती है। अगले सीन में हम एंगस को देखते हैं, जो अपने प्लेन से वहां से भागने लगता है कि तभी वो शीप बन जाता है और उसी वक्त हेनरी भी वहां आ जाता है। एंगस हेनरी को देखकर उस पर अटैक करता है, लेकिन हेनरी किसी तरह बच जाता है। हेनरी गन लेकर उसको मारने लगता है तो वो गन दूर फेंक देता है। तभी एंगस का प्लेन खुद ही चलने लगता है और एंगस उसके परों से जख्मी हो जाता है। फिर टकर वहां आकर हेनरी और एंगस को एंटीडोट देता है, जिससे वो ठीक हो जाते हैं। एंगस बेहोश होता है। वो लोग उसे छोड़कर शीप
शीप्स के पास जाते हैं, लेकिन तभी एंगस उन शीप्स के बीच चला जाता है और वो उसे खा जाती हैं। फिर हेनरी उनको आग लगा देता है जिससे सब शीप्स जल जाती हैं। अगले दिन वो लोग इन्फेक्टेड लोगों को एंटीडोट देकर इंसान बना देते हैं। फिर हेनरी एक्सपीरियंस और टकर आगे के बारे में सोचते हैं और आखिर में हम देखते हैं कि हेनरी का पालतू डॉगी भी शीप की आवाज निकालता है और ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है।